हम तो बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के जैसा कि किसी तरह आप देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है लो बजट प्लान होने वाला है विद कार पार्किंग विद वारंदा अगर आप ऐसा ही घर बनवाना चाहते हैं तो आप इस मॉडल पर बने रहें मैं पूरा डिस्कस करूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज डिफाइन करूंगा कहाँ पर क्या बना हुआ है और इसका साइज भी क्या है <coughs> अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घर की एक के बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पसंद कर सकते हैं साथ साथ वीडियो को लाइक पहले से कर दें अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चलो इसे स्टार्ट कर दें स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहते हैं नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं जिसे देखकर आप अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं और इस चैनल पर आप घर बनाने के लिए अलग से भी सर्विस दी जाती है उसके लिए आपको पे करना होता है पेमेंट करना होता है तभी आपको घर की सर्विस दी जाती है तो उसके लिए आप व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो चलो आज का जो मॉडल उसे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले इसे जूम करके मैं आपको दिखा दूं जैसे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए चीजें समझ में आ जाए क्या यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है और क्या ये पूरा मॉडल बना हुआ है देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से अब हम बात करें अगर फ्रंट की तो ये इसका फ्रंट है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये थ्री साइड क्लोज है फिलहाल ये देख सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो आप चारों तरफ विंडो भी लगवा सकते हैं ये आपकी स्लोप है जहां से आप कार पार्किंग करेंगे ये देखिए इसलिए मैंने ये घुमटी जो बना हुआ है ना इसी यही आपके घर को एक नया लुक दे रहा है और इसी में कार पार्किंग मैंने रखी है ये देखिएगा एक साइड में और इधर से स्टेयर है जहां से आप ऊपर चढ़कर आप इस पर जाएंगे और पूरे घर को एक्सेस कर पाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर दो विंडो कवर की गई एक डोर फ्रंट है जो ओपन किया गया और ये अब हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की तो ये इसका ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर है गुमटी मैंने फर्स्ट फ्लोर पर ही पूरी ग्राउंड फ्लोर पर ही कंप्लीट कर दी थी ये देखिएगा गुमटी का आप डिजाइन देख लें फ्रंट में कैसा बना है और ये आप जैसे स्टेयर से अंदर जाते हैं तो ये मेन डोर जहां से एंट्री करेंगे जैसे जाते हैं तो आपको एक हॉल टाइप का मिलता है इसी हॉल से आपकी स्टेयर से गई है और इसी को मैंने कवर्ड किया है टर्न होकर आप वापस आएंगे तो यहीं पर मैंने स्टेयर्स दे दी है इसी हाल में आप अपना सोफा वगैरह भी लगा सकते हैं जैसे गेस्ट रूम भी

इधर आपकी मैंने ओपन किचन डिजाइन किया है मैंने यहाँ पर इसे क्लोज नहीं किया है आप ओपन किचन बना सकते हैं आपकी ओपन किचन है और ये यह यहाँ पर आपकी काफी जगह भी मिल जाती है देखने को तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो तीन बेडरूम्स कार पार्किंग बारंदा और किचन लेट बात वगैरह बेहतरीन सा मॉडल बनकर आपके सामने रेडी हो जाता है अब बात करते हैं इसके साइज की किसका साइज कितना है साइज इसका पच्चीस बाई चालीस फिट दोस्तों बना हुआ है पच्चीस बाई चालीस फिट में मकान बना हुआ है एक हजार स्क्वायर फीट में थ्री बेडरूम लेट बात और बारंदे के साथ आपका बेहतरीन सा घर बनकर रेडी हो जाता है वही बात करें लास्ट फ्लोर की तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ साढ़े तीन फिट का बाउंड्री वॉल और उसमें ये इस टाइप की मैंने ग्रिल इस्तेमाल की है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और ये आपका देखिए ये और एक डिजाइन मैंने दी है तो आपने देखा होगा गांव में खबर रहते उसी का ये लुक यहाँ पर दिया है मैंने इस गुमटी पर भी वही पूरा बना हुआ है तो ओवरऑल पच्चीस बाई फीट में ऐसा बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप टू डी प्लानेस का चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में लेकिन वो पेड सर्विस है आपको पे करना होगा और तब आप हमसे 2D प्लान ले पाएंगे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया आप हमें कॉन्टेट कर सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक से जरूर कर दे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग